क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। रोहतास में दूरसंचार एवं डाक सेवा महामहिम राष्ट्रपति के अधीन विभाग में कार्यरत कर्मचारी सुबह से शाम काम एवं सेवा की भावना में डाकखाने में नहीं आते हैं बल्कि इस राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन समझते हैं और समय काट कर लौट जाते हैं। आपको बता दें, ये कहानी डेहरी के डाकघरों की है जहाँ कार्यरत कर्मचारी की काम करने की इच्छा नहीं होती तो वह कुछ करें काम के नाम पर बस खाना पूर्ति करते हैं। बता दें, ये किसी जमाने का जिले का टॉप डाक खाना माना जाता था। आज वहाँ इतने बुरे हाल हैं कि मशीन खराब का बहाना कर डाक रख तो लेते हैं लेकिन रसीद जो देते हैं उस पर कुछ भी छपा नहीं होता है। यहाँ रजिस्ट्री के लिए आया था, स्पीड पोस्ट के लिए, और मुझे बताया गया कि इस नोट पे लाल रंग लगा हुआ है जिसके लिए मैंने बताया, कहा ऊपर तो उनसे कि इस पे आप लिख दें, एक कहीं लिख दें कि ये नोट क्यों नहीं ले रहे आप, क्योंकि नोट मेरे मुताबिक ये मैं भी कहीं से लेके आया हूँ। इशू नहीं ना है, मान लीजिए अभी है, अभी रिफंड लगा नहीं, अभी आपने कहा कि इसका हेड खराब है इसलिए ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है, जो रिबन लग जाएगा कहीं अभी ठीक हो जाएगा, ये इशू नहीं ना है कोई चीज़ का। यदि हेड ठीक नहीं रहेगा तब ना, नहीं तो मान लीजिए इसको रिबन लगा दिया जाएगा, रिबन मान लीजिए काम कर रहा है 100-200 रुपये। इस वक्त हम टिहरी डालमिया नगर के पोस्ट ऑफिस हैं जहां पोस्ट ऑफिस के कार्यों को लेकर जो है शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि जब हम निकले तो टिहरी और डालमिया नगर में 2 ऐसे पोस्ट ऑफिस मिले जहां कार्य करने पे शैली पे सवाल उठे। आपको बता दें कि यहां पे कई तरह के जो है कि खामियां पाई गई। जैसे आपको बता दें कि अगर जैसे एक मेरे पास ये रिसीट है, रिसीट में कुछ दिखता नहीं है तो इसमें साफ जाहिर होता है कि इस कभी अधिकारी से बात होती है तो अधिकारी कहते हैं कि कभी रिबन खराब हो गया है तो कभी इसका प्रिंटर खराब हो गया है। और यहाँ तक कि अगर आपको डेहरी डालमिया नगर में अगर किसी नोट दे रहे हैं तो नोट पे किसी तरह का अगर रंग या कुछ खामियां पाई जाती है तो उसको कह कर दिया जाता है कि इसमें कमी है और इसको नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रिंट इसका ठीक नहीं आना, रिबन खराब होना कहीं न कहीं ग्राहकों से ठगी करने की एक साजिश भी हो सकती है। कैमरामैन चंदन के साथ मंजीत सिंह, रोहतास, प्राइम टीवी। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों को 4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा के बाद से ही सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर हैं। बताते भाजपा के विभिन्न नेता इसे भाजपा के मांग पर की गई घोषणा करार दे रहे हैं। इसी क्रम में 5 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे स्थानीय सांसद सह केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार में जंगल राज व शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेरते हुए निशाना साधा है। में जिस प्रकार से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, उस मौत का सौदागर कौन है? मैं तो कहूंगा कि उस मौत का सौदागर, इन्होंने शराबबंदी का तो कानून किया बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ
जिस प्रकार से इन्होंने माफिया को छोड़ दिया, इनकी सरकार में पूरी तरह से माफिया पल फूल रहे हैं। भागलपुर जीरो माइल थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर के सरस्वती मंदिर के समीप अचानक आग लग गई और इस घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घर जलकर राख हो गए। घटना के बाद पूरा इलाका आग में तब्दील हो गया और लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर दर्जनों फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बोला कि मोटर जला रहा था, तार उसी चिंगारी से आग लगा। कितने घर लगभग जला हुआ? लगभग जो है नहीं 20 घर जल गया। क्षति लगभग जो है नहीं कम से कम 20 लाख की क्षति होगी। 20 लाख? हाँ। मवेशी आपकी जली है क्या? मवेशी वगैरह जानवर? हाँ, जानवर वगैरह सब जल गया, कपड़ा लत्ता सब जल गया सर जी। भागलपुर शाहकुंड थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय नियमातुसार के रसोईया के पद पर कार्यरत सविता देवी ने जब प्रिंसिपल से वेतन का भुगतान करने की मांग की तब प्रिंसिपल ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं जब पीड़िता प्रिंसिपल से अपने को छुड़ाकर भागने लगी तब प्रिंसिपल से लोहे के रॉड से उसे मार कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर सूबे में तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। एक तरफ जहां जिलाधिकारी के आदेशानुसार कई जिलों में तपती गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, वहीं कई जिलों में स्कूलों के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। दोपहर की चलचलाती धूप में सड़कें भी वीरान हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में 2 से 3 दिनों तक गिरावट होने की कोई संभावना नहीं देखी जा रही है। साथ ही पछुआ हवा का भी प्रभाव बढ़ता तापमान के बीच उमस भी बनी रहेगी। भागलपुर में वन विभाग ने प्रतिबंधित कछुए का मांस कहलगांव स्टेशन से बरामद किया है। वन विभाग को पिछले कई दिनों से कछुए के मांस की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर देर रात वन लगभग 25 किलो से ज्यादा कछुए का मांस बरामद किया है। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है। वहीं वन विभाग अब गिरफ्तार व्यक्ति से इस गैंग के अन्य सहयोगियों और तस्करों के बारे में पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना मिली कि कहलगांव रेलवे स्टेशन से कछुआ के मीट का तस्करी होने वाला है। हम लोग 5-6 दिन पहले से ही इसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े हुए थे। हम लोग RPF को भी बोल दिए थे कि कुछ इस तरह के एक्टिविटी या कछुआ जिंदा या मीट बनाकर ले जाने वाला है, यदि पकड़ा तो हमको इन्फॉर्म करेंगे। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा, यूं कहते हो अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जहां बीती रात अहियारपुर थाना क्षेत्र के पटियासा के आसपास बाइक सवार अपराधियों ने एक गल्ला व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अहियापुर थाना क्षेत्र पटियासा में नीलेश राज करके एक गल्ला व्यवसायी हैं, उनके दुकान पर करीब 7 बजे के आसपास में 2 अपराधकर्मी उनके दुकान में प्रवेश किया हथियार के साथ और उनका काउंटर से पैसा वगैरह लिया है और पैसा देने में कुछ विरोध किए हैं तो उनको गोली भी मार दिया है। जख्मी हो गए तो जिनका इलाज के लिए SKMC लाया गया था वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता
ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभागार में विभिन्न विषयों को लेकर मुजफ्फरपुर प्रभारी सचिव अपर मुख्य सचिव शिक्षा के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें आगजनी, लू, आपदा, बाढ़ एवं ईएस संबंधित चर्चा की गई। ईएस बिंदु पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सुरक्षित है। अब तक 10 मामले में प्रकाश में आए हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित है। इसमें बाढ़ और सुखाड़ के लिए जो तैयारी है ज़िले की, उसकी समीक्षा की गई और साथ ही AES का, चूँकि ये प्रभावित क्षेत्र रहा है और हर वर्ष यहाँ पे इस तरह के मामले आते हैं, तो उसके लिए जो अभी तैयारी है, अभी जो मामले आए हैं उनके ट्रीटमेंट कैसे और आगे के लिए क्या तैयारी है, उन सभी बातों की समीक्षा की गई। सभी तैयारियाँ यहाँ पर संतोषजनक है। AES के केस में पर्याप्त SOP डेवलप कर लिया गया है और क्षेत्र स्तर तक सभी को जानकारी है, लोगों को भी और जो हमारे कर्मी हैं विभिन्न विभागों के उनको भी, ताकि किसी भी तरह के मामले आने पर वो तुरंत जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच सके। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के पटेल एग्रो राइस मिल में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक का गलत एक्सरे करा दिया। वहीं जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे लिखने से मना कर दिया। मारपीट हुआ पटेल राइस मिल में, कुछ आदमी ने 10-15-20 को मिल के इसको कपड़ा लाने गया और इसको सब मिलकर घर के मारने लगा, मोबाइल छीनने लगा, तो बेचारा पकड़ा गया, मार खाने लगा। तो बीच में हम आए बिहार से सदर अस्पताल लेके इलाज के दौरान, तो इलाज जो चीज़ को एक्सरे करना चाहिए उसी को एक्सरे नहीं हुआ, दिमाग को एक्सरे हो गया। क्या चीज़ का एक्सरे करवा रहे थे? छाती का एक्सरे करवा रहे थे। चोट है मारपीट का चोट है, जब सीना में चोट था तो हम बोले कि सीना का कीजिए सर। बोला कि यहाँ पर तू लोग रख रहा था, हम किधर रखें? हम बोले किधर में जगह है इधर रखो। तब पीछे था तो गाड़ी देने लगा कि कौन वाहन जो हटा नहीं हटा देगा। एक लड़का था मेरे देने का सुनील नाम, को बोला कि घर कहाँ, तो बोला बम्बई मारपीटी हो गया। फिर हम गए मोबाइल एजेंस लाने गए तो हमको फिर से पकड़ के मारने लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ कई हाई लेवल की मीटिंग की। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, DM, SP समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत किया। हालांकि इस बैठक से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मात्र 20 मिनट तक व्यवहारगिरी पर्वत पर हुए आगलगी की घटना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई। उसके बाद CM हेलीकॉप्टर से पटना की ओर रवाना हो गए। अनुमान अभी नहीं किया गया है, लेकिन जितने दवाओं के काम में आने वाली जड़ी बूटियों से संबंधित पौधे थे और जनरल किस्म के भी पौधे थे, ये सभी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई वर्षों से इसे
जंगल को, इस पहाड़ को हरा भरा करने के लिए अनेक कदम उठाया उन्होंने, और पौधे भी बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर से भी बीज गिराए गए, अनेक प्रकार से इन पौधों को सिर्फ लगाने के लिए नहीं बचाने के लिए भी उपाय किए। तो इस तरह का काम उन्होंने किया है, तो अफसोस तो उनको लगेगा, अफसोस तो हम सब लोगों को है, राज्यवासियों को भी अफसोस होगा। तो आगे भविष्य में इस तरह की नहीं हो, इसके लिए गया को भी, नवादा को भी और नालंदा को भी अलर्ट किया गया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर के द्वारा नीतीश कुमार के दिए गए बयानों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार के बारे में जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वह उसके संस्कार पर सवाल खड़ा करता है। पांडे प्रशांत किशोर को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखनी चाहिए। मैं जानता हूं जो बिहार ही नहीं देश का सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है उनके बारे में शब्दों का इस्तेमाल जो किया है उसके संस्कार पे सवाल खड़ा होता है, विपन्न किस संस्कार से हुआ है। खबर नवादा से है जहां सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोर्ट डे होने के कारण कामकाज को ठप कर दिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस तरह से अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी और लू चल रही है इससे कामकाज करने में कठिनाई हो रही है। जिस तरह से पहले अप्रैल में कोर्ट मॉर्निंग में चलती थी उसी तरह से कोर्ट मॉर्निंग में किया जाए। और साथ ही अधिवक्ताओं ने बताया कि 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोर्ट का समय है, उसे तत्काल मॉर्निंग 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक करना चाहिए। परेशानी में पड़ रहे हैं, जो पूर्व से चलते आ रहा है वो मॉर्निंग कोर्ट हमें चले, डे कोर्ट करने में हम लोग सक्षम नहीं है क्योंकि इतनी यहाँ इतना टेम्परेचर है, बैठने का जगह नहीं है, तंबू लगा के हम लोग बैठ रहे हैं, ये लू बर्दाश्त नहीं हो सकती है। हमारे एक मुंशी जो है विजय प्रसाद जिनका लू लगने के कारण देहांत हो चुका है, 4-5 जो है सो एडवोकेट जो है उनको सलाइन हो रहा है लू लगने से, हमें भी लू लगी, हम दवा लेके आए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय अरविंद जी को भी लू लगी, वो भी दवा लेकर के आए हैं, इसलिए इस लू को हम लोग बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। कोर्ट का समय 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो वर्षों से ऐसा चला आ रहा, ये 11:30 बजे से लेकर 4:30 बजे जो कोर्ट आवर कर दिया गया है इससे हम लोगों को बहुत काफ़ी कठिनाई है क्योंकि हमारे अधिवक्ता संघ का यहाँ कोई बैठने की जगह है ही नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सब लोग तंबू देके ऊपर में प्लास्टिक लगा के कार्य करते हैं, और नवादा जिला में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, अभी भी 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी होगा हम समझते हैं, और 48 तक चल जाता है। आप लोग तो पत्रकार हैं, हर जगह घूमते ही हैं, तो अब ऐसी स्थिति में ये काम करना मुमकिन नहीं है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। एसकेबी मार्केट.इन शॉपिंग सुकून के साथ।